मैं तुम्हारी माँ के बंधन में और नहीं रह सकती। मुझे अलग घर चाहिए जहाँ मैं खुल के सांस ले सकूं। पलक रवि को देखते ही जोर से चिल्ला उठी। बात बस इतनी थी कि सुलभा जी ने रवि और पलक को पार्टी में जाता देखकर इतना भर कहा था कि वो रात 10 बजे तक घर वापस आ जाए। बस पलक ने इसी बात को तूल दे दिया और दो दिन बाद ही उसने अपनी सहेली किरण के घर किटी पार्टी में उसे मकान ढूंढने की बात भी कह दी। मुझे मम्मी जी की गुलामी में रहना पसंद नहीं है, पलक बोली। पलक, तुम्हारी तरह एक दिन मैं भी यही सोचकर अपनी सास से अलग हो गई थी। किटी खत्म होते ही किरण पलक के सामने थी। तभी तो आप आजाद हो, पलक ने चहक कर कहा तो किरण का स्वर उदासी से भर गया। किरण पलक से 10 वर्ष बड़ी थी। किरण ने कहा, नहीं बल्कि तभी से मैं गुलाम हो गई। जिसको मैं गुलामी समझ रही थी वास्तव में आजादी तो वही थी। पलक ने अनमने से भाव से पूछा, वो कैसे? जब मैं ससुराल में थी दरवाजे पर कौन आया मुझे मतलब नहीं था क्योंकि मैं वहाँ की बहू थी। घर में क्या चीज है क्या नहीं इससे भी मैं आजाद थी। दोनों बच्चे दादा दादी से जुड़े थे। मुझे कहीं आने जाने पर पाबंदी नहीं थी पर कुछ नियमों के साथ जो सही भी थे। लेकिन जवानी के जोश में मैं अपने आगे कोई सीमा रेखा नहीं चाहती थी। मुझे ये भी नहीं पसंद था कि मेरा पति ऑफिस से आकर सीधा पहले माँ के पास जाए। मैंने दिनेश को हर तरह से मनाकर अलग घर ले लिया और फिर मैं दरवाजे की घंटी जरूरत का सामान बच्चों दिनेश सबके वक्त की गुलाम हो गई। अपनी मर्जी से मेरे आने जाने पर भी रोक लग गई क्योंकि कभी बच्चों का होमवर्क कराना है तो कभी उनकी तबीयत खराब है। हर जगह बच्चों को ले नहीं जा सकते, अकेले भी नहीं छोड़ सकते तो मजबूरन पार्टियां भी छोड़नी पड़ती है। जबकि ससुराल में रहने पर यह सब बंदिश नहीं थी। ऊपर से मकान का किराया और फालतू के खर्चे अलग। फिर दिनेश भी अब उतने खुश नहीं रहते। किरण की आंखें नम हो उठी। फिर आप वापस क्यों नहीं चली गई? पलक बोली। किस मुंह से वापस लौटती? इन्होंने एक बार मम्मी से कहा भी था पर पापा ने ये कहकर साफ मना कर दिया कि एक बार हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला है, अब दूसरा झटका खाने की हिम्मत नहीं है। बेहतर है अब तुम वहीं रहो। किरण बोली, पलक घर से बाहर कदम रखना बहुत आसान है लेकिन ये बात भी सच है कि जब तक आप माँ बाप के आश्रय में रहते हैं आपको बाहर के थपेड़ों का तनिक भी एहसास नहीं होता। माँ बाप के साथ बंदिश से ज्यादा आजादी होती है पर हमें वो पसंद नहीं आती। एक बार घर से बाहर निकलने के बाद आपको पता चलता है कि आजादी के नाम पर खुद अपने पाँव में जंजीरें डाल ली। बड़ी होने के नाते तुमसे यही कहूंगी, सोच समझ कर ही ये कदम उठाना। मन ही मन ये गणित दोहराते हुए पलक एक क्षण में निर्णय ले चुकी थी। उसे किरण जैसी गुलामी नहीं चाहिए थी। घर की ओर चलते बढ़ते कदमों के साथ साथ ही वो मन ही मन बुदबुदा रही थी कि घर पहुंचते ही सासुमा के पैर छूकर क्षमा मांग लूंगी और सदा उनके साथ ही रहूंगी। माँ बाप को साथ नहीं रखा जाता, माँ बाप के साथ रहना होता है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।